बड़ी और अहम जानकारी जो कि मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि संजय राउत के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। ईडी जो है संजय राउत के घर पहुंच चुकी है, तीन स्थानों पर ईडी की छापेमारी जो है लगातार हो रही है। और इसी बीच आपको बता दें जो है अब शिवसैनिकों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। संजय राउत को हिरासत में ले सकती है आज ईडी, तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार भी अब शिवसेना सांसद संजय राउत पर लटकती हुई नजर आ रही है। इसी बीच संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ी और अहम जानकारी जो कि मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर संजय राउत के घर जो है ईडी पहुंच चुकी है, हिरासत में लिए जा सकते हैं शिवसेना सांसद। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि पात्रा चौल मामले में, यानी ये कह सकते हैं कि जमीन घोटाले मामले में संजय राउत से पूछताछ जो है आज ईडी द्वारा की जाएगी। और इसी के साथ मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा संजय राउत का कहना है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें संजय राउत के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। इसी बीच तीन स्थानों पर ईडी कर रही है छापेमारी। तो आपको बता दें कि 1,000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले के मामले में 27 जुलाई को भी ईडी ने संजय राउत को तलब किया था।